नशा शराब में होता तो नाचती वो। आज से 5 साल पहले भी चल दूँ तो आप मल्ला नशा मुक्ति ले के कोई भी तरह के झांकिल देखेल नहीं। सही ऐसा है कि हमारे समिति में माता जी का दर्शन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये बंगाल से आए हुए कारीगर है, इसमें कुछ 55 कारीगर आए हुए हैं कलकत्ता से, बंगाल से। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बस बस बस, ये सब चीज़ है ना, असल जिंदगी में अच्छा नहीं लगे, फिल्मी दुनिया में बड़ा लगते। अभी मैं खड़े हवा लाल मैदान, बहुत बढ़िया, जहां आप मल्ला देखेल मिली पावर हाउस में मैं अभी उपस्थित हवा। और यहां के जो झांकी है, बार के जो बनाए हैं कार्यकारिणी सदस्य और जो समिति के मन है, बहुत ही बढ़िया नशा मुक्ति ले लेके बनाए हैं, जागरूकता ले लेके बनाए हैं, अवेयरनेस के बहुत बढ़िया प्रोग्राम है करत है मन है। और जो बता देना चाहता हूँ कि जो नशा नाश के जड़ रही थे, जो पूरा परिवार ले कन में ही बर्बाद कर देते, ऐसा थीम ना लेके आए हैं, बहुत ही सुग्घर लगा थे। आप मान ला बढ़िया वीडियो के आखिरी में भी आप मान ला देखेल मिली, जैसे अभी आप मान ला वीडियो में देखेल मिला थे कि कैसन टाइप के जो मूर्ति हवे और झांकी मन है, जो आज के जो वीडियो है एमा आप मान ला देखेल मिली। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। संगवारी आप मन देखा तो आप मन के अपन चैनल संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल से मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी जम्मू संगवारी मन के जय जोहार करता हूँ। इसी की संगवारी हो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आप मन के बीच में लेकर आते रहते हैं, तो नशा मुक्ति से लेकर भी आप मन के बीच में एक ठनाव वीडियो लेकर आए हैं। तो आऊ हमारे बीच में जो कार्यकारिणी सदस्य मन अभी उपस्थित हुई तेन लेकर बारे में हमन गुड बात करबो, और ओकर मन के का विचार है, कैसे मन के विचार आई से नशा मुक्ति ला लेके, काबर के बहुत जन मन अभी देखे हो कि सेक्टर एरिया में भूत प्रेत ला लेके बनाए रही से नशा मुक्ति ले, कोई जगह झांकी देखे नहीं मिला थे। आज से 5 साल पहले भी चल दूँ तो आप मल्ला नशा मुक्ति ले लेके कोई भी तरह के झांकी देखे नहीं मिली, बहुत ही बहुत बढ़िया लगी से हम आए हैं लाल मैदान पावर हाउस में। और आप मल्ला बता देता हूँ संगवारी हो कि यहाँ के जो दशहरा के पर्व रीते भी बहुत सुग्घर मनाते, और दशहरा का दिन यहाँ महाप्रसादी की बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे, विशाल भंडारा का आयोजन करेंगे। तो आप मन वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आप मन बहुत बढ़िया बढ़िया मन अपडेट देते रहो। और कार्यकारिणी सदस्य मन हमारे बीच में उपस्थित हुई और का बोली और बारे में हमन तेन ओकर सांग में गोड़ बात करबो और जानबो। तो संगवारी हो, हमारे बीच में कार्यकारिणी सदस्य लाल मैदान के हमारे बीच में उपस्थित है, तो सबसे पहले भैया आप मन के बहुत बहुत जय जोहर हमारे संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल में। जय जोहर, जय बोल। अच्छा भैया, आप ये बताओ कि आप मन के जो आइडिया है नशा मुक्ति ले करके, ये आइडिया कैसे आप मन के दिमाग में, इसकी हमला ये जो अवेयरनेस के तहत हमला कार्य करना है? यह समिति का, लाल मैदान दुर्गा पूजा समिति का 51वां वर्ष है, और समिति का यह निर्णय ऐसा था कि इस वर्ग में जितने आयु वर्ग के जो लोग हैं इस जनरेशन के, वो लगभग पूरे के पूरे लोग नशे के दौर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जीवन गाथा को समाप्त करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक समिति का निर्देश और निर्णय लिए कि ये नशा मुक्ति का संदेश दें कि आप नशा को त्याग दें, और इस संदेश को पहुंचाते हुए समिति के निर्णय में हम आगे बढ़ते चले और इस आयोजन को सफल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बस जी जी, लक्की भाई आप तो बिल्कुल सही, आप बता दो कि पूरा आज के जो जनरेशन है वो नशा के तरफ ही भगते जाते और नशा नाश के जड़ है पूरा नशा, एक बार जो आदमी करते होकर पूरा परिवार सत्यानाश हो जाते, ये तो बिल्कुल सनातन काल से और तो बिल्कुल सलात आते। अच्छा आप ये बताओ कि जो यहाँ के जो आप मन ने देखा था अत्यक सुग्घर हमल देखे मिला थे पंडाल, ये पंडाल के जो कारीगर मन है कहाँ के, यहीं से छत्तीसगढ़ के कि बाहर से? नहीं, ये बंगाल से आए हुए कारीगर है, इसमें कुछ 55 कारीगर आए हुए हैं कलकत्ता से, बंगाल से, और लगभग 3 महीने से ये वर्क में अपने भिड़े हुए हैं सब कारीगर, और काफ़ी अच्छे और CM अवार्ड वाले आर्टिस्ट है पूरे वहाँ के, कलकत्ता के ममता बनर्जी से ये अवार्ड लिए हुए हैं आर्टिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर पूरे कलकत्ता के, और उनके द्वारा यह कार्य प्रारंभ हुआ और लास्ट प्रगति पर चलता हुआ आ रहा है इस समिति के कार्य में। जी जी, लक्की भाई और एक ठन आऊ प्रश्न करत हूँ कि जो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया स्टॉल दिखा थे, कैसन कैसन टाइप की स्टॉल यहाँ पर देखे मिली हमला? ये स्टॉल जो है ये अपन लोग लगाते हैं मीना बाजार के तरह में, इसको लगाया जाता है। जी जी, जैसे इसमें गुपचुप चाट, जैसे अपना चूड़ी और अन्य भी सामान है इसमें, आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ दिया जाता है। जी जी जी, ये मेले के हिसाब से चलता है मेले पर, लेकिन झूला उलट नहीं दिखा इससे कुछ? झूला नहीं रहता है। अच्छा, झूला नहीं रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पर दर्शनार्थियों का क्या है, बहुत काफ़ी तादाद में पब्लिक आती है, तो स्पेस उस ग्राउंड पे उतना नहीं है कि यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगा सके,
क्या है ये श्रद्धा भाव से इस व्यक्तित्व में काफी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं इस पंडाल पे। अच्छा अच्छा, एक ठन और मैं प्रश्न करता हूँ कि आप जिसे बताओ कि दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ आके बढ़िया अपन जो मनोकामना ला मांगते, तो आप ये बताओ कि जो हमन देखा रहे इनकी सेक्टर एरिया में बहुत पैसा ला लेतरी से अंदर घुसे तक में बाहर से पार्किंग से ले करके जो बहुत ही पैसा के वहाँ लूट मचाए रही से, आप यहाँ हमन ले ऐसे टाइप के कुछ रही का जो हमारे जम्मू संगवारी मन काबर बहुत परेशान हो गई रही से दुर्गा में जो सारी गणेश के समय में अंदर तक नहीं जा पात रही से वो मन है, तो ऐसा कुछ हवे यहाँ का देखे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हमारे समिति के द्वारा निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था छावनी थाने के जस्ट पीछे साइड ग्राउंड में की गई है। और दूसरी व्यवस्था ये ऐसा है कि हमारी समिति में माता जी का दर्शन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और झांकी के शुल्क की राशि अगर शुल्क में अगर जोड़ा जाए तो वो शुल्क नहीं होता, वो 10 रुपये मात्र टिकट है, लेकिन वो माता के प्रसाद वितरण यानी भंडारे सहयोग में आपकी राशि वहाँ पर इंक्लूड होगी। अच्छा अच्छा जी जी, बहुत बढ़िया। आप मन हमारे संग में हमारे संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल के जम्मू देखइया मतलब अपन विचार रखे हो।